जहां तीन औरतें इकट्ठी होंगी वहां तो रोज मसला पैदा ही होगा। अब हम हर रोज अपनी बीवी की शिकायतों पे पंचायत लगा के बैठे। तीन औरतें कौन हैं? बताए ना जरा मुझे, क्यों गिनती में शामिल कर रहे हैं? लड़ाई इन दोनों की हुई है? मैं तो सुलह सफाई करवाने में बीच में रगड़ी जाती हूँ। ले केड़ी सुलह सफाई भाभी है? हर दफा हर लड़ाई में आप लैला की साइड लेती है, अकेली तो मैं रह जाती हूँ। सीरियसली तुम अकेली रह जाती हो? अकेली तो मैं हूँ पहले दिन से, किसी ने मुझे आज तक एक्सेप्ट नहीं किया, सब मेरे खिलाफ माज बना के खड़े हो जाते। अच्छा भाभी आप अकेली सब पर भारी हैं। सुन रहे हो? That's how he talks to me. जाहिद बड़ी भाभी हैं ये तुम्हारी, लिहाज करो इनका। हाँ तो बड़ी है तो बड़ों वाले काम भी करें ना, ये भी तो लिहाज करें। रुबीना मैं लिहाज ही कर रही हूँ, वरना मेरे मुंह में भी जबान है, लेकिन मेरे पास ना इस जहालत का मुकाबला करने का ना स्टेमिना है ना तरबियत है। Sick of this. सुन लिया है भाभी, एक एक को हम सबको जाहिल कहकर निकली है, आप ले ले इसकी साइड। यार तुम दोनों अपनी बीवियों पे तो कोई कंट्रोल करना सीखो, ये क्या को बात हुई हर हर बात पे रोज घर में इतना नाजा पैदा करना। मेरा ख्याल से आप ये बात जाहिद को समझाएं तो ज्यादा बेहतर है। हाँ जी इन्हें तो जरूरत ही नहीं है, अंदर जाके इन्हें माफी मांगनी है बेगम से। शड़प जाहिद, मैं यहाँ पे बात खत्म करने की नियत से उठ के जा रहा हूँ, तुम बात को बढ़ाए जा रहे हो। बैठ जा, कोई नहीं जाएगा यहाँ से। बैठ जाइए। अरे बहन के रिश्ते की बात करनी है, यहाँ कोई और ही बातें शुरू हो गई हैं। वैसे हाजरा तुझे ये बात इस वक्त करनी नहीं चाहिए थी। हाँ आप ही मुझ पे ही डालने चाची जी, आपको अपनी लाडली भांजी का तो कोई कसूर कभी नजर आता ही नहीं है। तुम लोग इस तरह से बात नहीं आओ, मैं जा रही हूँ तुम्हारे अब्बा जी के पास, वो ही आके ठीक करेंगे तुम्हें। बताती हूँ मियाँ साहब। ना अब्बा जी को रहने दे, अम्मी जी अम्मी पड़ गई ठंड, अब अब्बा जी आएंगे और शिकायतों का खाता खोलेंगे 1976 से जो खत्म होगा हमारी आने वाले नस्लों पे। मुझे समझ में नहीं आ रहा कि हम सबको हो क्या गया है, सब एक दूसरे से उलझने में मसरूफ हैं बस। ये सब दीन से दूरी का नतीजा है, बेनमाजियों के घर में बरकत आएगी भी कैसे? देखो देखो अपोजिशन ने क्या लुच तला है। बाहर जनानियों की बातों में आकर आपके बेटे एक दूसरे का गिरेबान पकड़ रहे हैं। अरे मेरी सुन तो ले। तुम्हारी सुन लो ताकि जब मैं अपने दोस्तों के साथ बैठा हूं और मुल्की हालात और सियासत पर बहस हो रही हो तो मेरे दिमाग में तुम्हारी बकबक हो कि मियां जी जाहिद ने ये कह दिया, सज्जाद ने वो कह दिया, छोटी ने ये कहा, बड़ी ने वो ताना दे दिया मुझे। अरे दुनिया की कोई खबर मेरे लिए रहने दोगी या नहीं? दुनिया को आप बाद में सुधार लेना, जरा बाहर की भी खबर लो, जरा चले उनको जरा जोर से छिड़के रोब डाले। अरे लानत लानत है उन सब पर, सारे के सारे जंगुलीद है। ये मेरी उम्र है, आराम करने की है। तुम क्या जाती हो? जिस तरह बचपन में मैं उन दोनों की लड़ाइयां में छुड़ाया करता था, अब जाके बाहर ये काम करूं मैं? ना बाबा ना, मैं आराम करूंगा, मेरी उम्र आराम करने की है, ना कि उन बेहिदायतों के साथ किल किल करने। ये लो स्पीकर ने इजलास जुमे की सुबह तक मुलतवी कर दिया। अब कहो जो कह रहा है। सीधे हाथ और उल्टे हाथ की बातें हो रही हैं। दिहा उसे जय जय। इस घर में छोटे से लेकर बड़े तक सब दीन से दूर हैं। और कोने कोने से घर के मूसीकी की आवाजें आती हैं, औरतें बेपर्दा घर से बाहर निकलती हैं, हैं? और अजान की आवाज आने पर भी किसी को नमाज की तौफीक नहीं होती, ऐसे घर में बरकत और रहमत भला आएगी भी कैसे? हजरत साहब आप तो बैठ जाएं, दीन में रिज़्क हलाल और जो मेहनत है ना उसकी भी बड़ी फजीलत है। ये नहीं तुम्हें बताया किसी मौलवी ने, ये अजान की आवाज सुन के मस्जिद तक जाना काफी नहीं है, रिज़्क हलाल कमाने के लिए घर से बाहर भी निकलना पड़ता है। जाहिद साहब सुन लिया है, पड़ गई है ठंड, तुम्हारी बेकारी और निकम्मेपन का नतीजा ना मुझे और बच्चों को ही भुगतना पड़ता, इसलिए तो इन सबको हम चुपते, इसलिए तो मैं कम जुटे।
तुम भी चावल आने कमा लेते ना आसिम की तरह, तो मैं भी लैला की तरह ना मुंह चुक के रज के बदतमीजी करके ना मासूम बन के निकल जाती। बात को दूसरा रंग देना ना तो खत्म है तेरे पर बिना। वैसे मेरी रूखी सूखी पर गुजारा करना है तो करो रुबीना, तुम्हारे और बच्चों की वजह से मैं अपनी आकबत नहीं बिगाड़ सकता। अब पैसे का क्या है, हैं? आज अपना जमीर बेचो, कल हराम पैसे की रेल पेल है। मतलब क्या है तुम्हारा, मैं हराम कमाता हूँ, जमीर फरोश हूँ? मैंने किसी का नाम नहीं लिया। मेरी तरफ देख के जो बात कर रहे हो। और नासों में मचो भाईजान, मैंने इसका नाम लिया है। ना ना, तुम पहले ये बताओ ये कौन सी रूखी सूखी का रोना रो रहे हो भाई तुम, हैं? कौन सी कमी रखी हमने, मैंने और आसिम ने तुम्हारे बच्चों के लिए? जो कुछ अपने बच्चों को खिलाया वही तुम्हारे बच्चों को खिलाया, और तुम ना शुक्रे बेफैज। बस कर जाओ, बस कर जाओ। बड़ी मुश्किल से मैंने रोका तुम्हारे अब्बा को। हाँ, मैंने जो ही गलती की के बता दिया, वो तो आपे से ही बाहर हो गए। आपे के अंदर होते ही कब है? शुक्र करो बच गए हो आज तुम लोग, वरना बचपन की तुम्हारे याद आ जाती। वो तो मैंने मिन्नत समाजत करके उनको बाहर आने से रोका है कि जवान औलाद है, बाल बच्चों वाली है। यूं समझो कि हाथ जोड़े हैं, पैरों को हाथ लगाया है। वैसे तो वो मेरी मात कभी टालते नहीं हैं, मगर आज तो ऐसी फेंटी लगनी थी। तोबा तोबा तोबा। अच्छा।